हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बीएड एंड टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड वीडियोज के लिए। प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोज हैं और अगर आपको कोई वीडियो सर्च करना है तो आप यहां पे जाके सर्च कर सकते हैं, और जाते जाते बेल आइकन दबाना ना भूलेगा। थैंक यू। हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE के बारे में, या हिंदी में जिसे कहते हैं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। ठीक है, इसके बारे में हम आज पूरी जानकारी लेंगे। और ये वीडियो मैं डाल रहा हूँ कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन वाली प्लेलिस्ट में। अगर आपको ये वीडियो देखना है तो आप उस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, अगर किसी को ना मिले तो। तो चलो देखते हैं क्या होती है NCTE। तो इसका मेन मोटो या मूल मंत्र क्या है, विद्या ददाति विनियम विनियाद यादि पात्रताम पात्रत्वात् धर्मान् पौन्नति धनात् धर्म तथा सुखम। इसका हिंदी मतलब है कि विद्या विनय देती है, विनय से पात्रता आती है, पात्रता से धन आता है, धन से धर्म और धर्म से सुख प्राप्त होता है। तो ये NCTE का मूल मंत्र है, या मोटो कह सकते हो आप। चलो, तो NCTE का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। NCTE का मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो भी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है, जो भी टीचर्स इंस्टीट्यूट हैं, उनमें कैसी टीचिंग होनी चाहिए, उन सभी को प्लान करता है, कोऑर्डिनेट करता है, रेगुलेट करता है, और टाइम टू टाइम प्रॉपर मेंटेनेंस का कौन ध्यान रखता है, वो ध्यान रखता है NCTE। जो भी टीचर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, एजुकेशन सिस्टम है, या जो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाले हैं, फीस है, उन सभी का ध्यान रखता है NCTE। ठीक है, और ड्यूटीज क्या हैं। तो NCTE की बहुत जो ड्यूटीज हैं, या पावर कह सकते हो, बहुत ज़्यादा ब्रॉड हैं, क्योंकि इंडिया में सभी टीचिंग से रिलेटेड चीज़ों का, एजुकेशन प्रोग्राम्स का ध्यान कौन रखता है या कंट्रोल कौन करता है, उसको कंट्रोल करता है NCTE। ठीक है, और जो भी रिसर्च एंड ट्रेनिंग होती है पर्सन्स की, उनका भी कौन ध्यान रखता है, NCTE ध्यान रखता है। और NCTE कौन से प्रोग्राम्स को देखता है, टीचर्स के प्रोग्राम को। तो जो प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी टीचर्स के लिए प्रोग्राम होते हैं उन्हें चेक करता है, सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टेजेस पे जो भी प्रोग्राम होते हैं, कोर्सेस होते हैं, उनको चेक करता है, सभी गाइडलाइंस यही प्रोवाइड करता है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन, पार्ट टाइम एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन और जो भी डिस्टेंस एजुकेशन है, वो भी सभी कौन प्लान करता है, रेगुलेट कौन करता है, NCTE ही रेगुलेट करता है। ठीक है, चलो देन इंट्रोडक्शन इसके बारे में बेसिक पढ़ लेते हैं। तो पहले क्या था, 1973 से पहले ये थी एक एडवाइजरी बॉडी सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट की। ठीक है, जो भी टीचर एजुकेशन से रिलेटेड जो भी मैटर थे ना, उन सभी को एडवाइज कौन करती थी, NCTE ही एडवाइज करती थी। और इसका खुद का सचिवालय था, कहाँ पे, डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन NCERT के अंदर। ठीक है, मतलब पहले इसका खुद का ऑफिस या खुद का डिपार्टमेंट नहीं था, NCTE के अंदर ही इसका डिपार्टमेंट था, डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन। ठीक है, तो जब नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन NPE 1986 एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में आया था, आई थिंक प्रोग्राम ऑफ एक्शन, तो उन्होंने कहा कि NCTE को कन्वर्ट कर देते हैं एक इंडिविजुअल बॉडी में, स्टैचुटरी स्टेटस में, वैधानिक निकाय में, ताकि इसकी जो पावर है वो और ज़्यादा ब्रॉड हो सके और इसकी जो कंट्रोलिंग पावर है वो और बढ़ सके। ठीक है, ताकि जो भी टीचर एजुकेशन से रिलेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट वो और अच्छी हो सके। तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE स्टैचुटरी बॉडी बनी 17 अगस्त 1995 को। किसके तहत, एक एक्ट आया था नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एक्ट 1993 के तहत। ठीक है, और नंबर 73 ऑफ 1993, ये फाइल नंबर होता आई थिंक। तो अगर ये चीजें लिख देते हो आप एग्जाम में तो टीचर थोड़ा इम्प्रेस हो जाएगा। चलो देन फंक्शंस क्या हैं। तो फंक्शन इसके हैं कि ये टाइम टू टाइम सर्वे करता रहता है, स्टडीज करता रहता है टीचर एजुकेशन से रिलेटेड, उनको टाइम टू टाइम पब्लिश भी करता रहता है, ताकि टीचर्स को भी इसकी जानकारी हो, स्टूडेंट्स को भी इसकी जानकारी हो, और जो भी लोग पढ़ना चाहते हैं उसके बारे में वो पढ़ सकें कि टीचर एजुकेशन में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। ये रिकमेंडेशन देता है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को, यूनिवर्सिटीज को और UGC को, एंड रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशंस को भी, ताकि प्रॉपर प्लानिंग हो सके और जो भी प्रोग्राम्स ऑलरेडी चल रहे हैं टीचर एजुकेशन में वो और ज़्यादा अच्छे हो सकें। चलो, गाइडलाइंस भी कौन प्रोवाइड करता है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगी, अगर किसी पर्सन को एम्प्लॉयमेंट मिलनी है एज ए टीचर इन स्कूल या रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन, तो उसको भी कौन सुनिश्चित करता है या गाइडलाइन कौन देता है, NCTE ही गाइडलाइन देता है कि प्रॉपर मिनिमम डिग्री क्या होनी चाहिए टीचर बनने के लिए।
चलो, और क्या ड्यूटी है इसकी? इसकी ड्यूटी है कि ये रूल्स बनाता है, स्टैंडर्डाइज नॉर्म्स बनाता है जो भी स्पेसिफाइड कैटेगरी है कोर्सेज की और ट्रेनिंग की, कि वहाँ पे बच्चे जो एडमिशन लेंगे उनकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, उनका मेथड ऑफ सेलेक्शन क्या होगा, और जो भी करिकुलम है वो कैसा होगा, वो सभी ध्यान रखता है NCTE। तो जो भी इंडिया में टीचर्स एजुकेशन से रिलेटेड जो भी कोर्सेज हैं वो सभी कौन प्रोवाइड करता है या उनकी गाइडलाइन कौन सेट करता है, NCTE ही डिसाइड करता है, ठीक है। और रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट में कैसी गाइडलाइंस होगी या कैसा इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज होगी, वहाँ के स्टाफ कैसे होंगे, वहाँ की स्टाफ की क्वालिफिकेशन कैसी होगी, वो सभी गाइडलाइन देता है NCTE, ठीक है। ट्यूशन फीस कितनी होगी या कितनी फीस लेनी है रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट को, वो भी गाइडलाइन कौन देता है, NCTE ही देता है। तो होता है ना कि सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स की फीस थोड़ी ज़्यादा होती है, गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस थोड़ी कम होती है, ये सभी डिसाइड है NCTE के ही द्वारा। चलो, टाइम टू टाइम ये एग्जामिन करता है, इम्प्लीमेंटेशंस को टाइम टू टाइम चेक करता रहता है, जो भी रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, उनको टाइम टू टाइम प्रॉपर चेकिंग होती रहती है, और रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन को टाइम टू टाइम बताया जाता है कि क्या क्या चीज़ें चाहिए और क्या क्या चीज़ें इम्प्रूव की जा सकती हैं। रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन के लिए प्रॉपर अप्रेजल सिस्टम है, रेगुलेशंस है, मैकेनिज्म है उनको एनफोर्स करने का, ताकि ऐसे इंस्टीट्यूट्स की अकाउंटेबिलिटी बनी रहे, है ना। प्रॉपर मतलब रिपोर्ट मंगवाता रहता है कि क्या चल रहा है, कैसे फीस है, क्या क्या आप कैसे फीस चार्ज कर रहे हो, वो सभी चीज़ें, जो भी स्कीम्स ऑलरेडी चल रही हैं उनको चेक करता है, जो भी नए इंस्टीट्यूशन सेटअप करने हैं उनका भी ध्यान कौन रखता है, NCTE ही ध्यान रखता है, और ये चेक करता है कि टीचर एजुकेशन का कमर्शलाइजेशन ना हो, जो कि बिल्कुल होता ही है ना। प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आपने देखा ही होगा, प्रैक्टिकल होते हैं तब भी पैसे चार्ज किए जाते हैं, बहुत से इंस्टीट्यूट हैं जो ऐसा करते हैं, कोई छुपने वाली बात नहीं, और कहीं ना कहीं ये चीज़ रुक नहीं पाती, ये थोड़ी बहुत होती ही होती है। और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बाय चांस कोई काम दिया गया है तो उसे भी कौन देखता है, टीचर एजुकेशन से रिलेटेड, वो भी NCTE ही देखता है, ठीक है, अगर कोई एक्स्ट्रा काम है तो। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी नई एजुकेशन पॉलिसी लाई है ना, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए NCTE को ही अपने टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में चेंजेस करने होंगे, तो ये एक्स्ट्रा ड्यूटी है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कभी कभार इसको दे दी जाती है। चलो, देन है प्रोग्राम्स कितने रिकग्नाइज हैं NCTE के द्वारा, ये कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं। तो ये प्रोग्राम 28 नवंबर 2014 के बाद चेंज किए गए हैं या इनमें थोड़ा रेगुलेशन लाया गया है, ठीक है, तो ये पढ़ते रहना अच्छे से। पहला है डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम, ये है DPSE, डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन कहते हैं। देन है DLED, ठीक है, एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। देन है BLED, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन। देन है BED, बैचलर ऑफ एजुकेशन। देन है MED, ओके। देन है डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन, जिसको कहते हैं DPED। देन है BPED, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। देन है मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, MPED, ये सभी NCTE के अंदर ही आते हैं, ठीक है। देन है DLED, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग वाली, ठीक है, जो डिस्टेंस से करते हैं ना उसके लिए भी DLED होता है, उसमें भी होता है। देन अगेन BED, जो कि डिस्टेंस से भी होती है, ठीक है। देन है डिप्लोमा इन आर्ट्स एजुकेशन, ये है विजुअल आर्ट्स का। सेकंड लास्ट है डिप्लोमा इन आर्ट एजुकेशन, लेकिन ये है परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए, ठीक है, तो ये भी NCTE ही देखती है। देन लास्ट में है फोर ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम लीडिंग टू BA, BED, BSc, BED डिग्री, ओके, आई होप क्लियर है। देन दो कोर्सेस और बचे, टोटल 15 कोर्सेस हैं NCTE के अंदर। ये है बैचलर ऑफ एजुकेशन 3 ईयर पार्ट टाइम लीडिंग टू बैचलर ऑफ एजुकेशन BED डिग्री। देन है 3 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम लीडिंग टू BED, MED इंटीग्रेटेड डिग्री, ठीक है, तो ये टोटल 15 प्रोग्राम हैं। अगर लिखने को आ जाइए क्वेश्चन तो ज़रूरी नहीं है सारा लिखें आप, डिपेंड करता है कितने मार्क्स का है, अगर आपको सारे याद हैं तो लिख दो, नो प्रॉब्लम, इनकी शॉर्ट फॉर्म याद कर लें तो जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। चलो, देन 2014 में कुछ नए रेगुलेशंस लाए गए थे, तो इसमें क्या था, जो भी 3 न्यू प्रोग्राम थे वो लाए गए। ये था 4 साल का BA, BSc, BED, 3 साल का BED पार्ट टाइम एंड 3 साल की BED, MED इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, ठीक है। 2014 में ये नई 3 कोर्सेस लाए गए थे। और एक और चीज़ थी, जो 3 प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहे थे जो 1 साल के थी, BED, BPED, MED, इनको कर दिया गया 2 साल के लिए, ठीक है।
इससे पहले 2014 से पहले आपने देखा होगा ये सभी कोर्सेस एक साल के थे ओके। और जो भी स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूट थे उनको एस्टेब्लिश कर दिया गया कंपोजिट इंस्टीट्यूट में। मतलब जैसे पहले क्या था, केवल बीएड का ही एक इंस्टीट्यूट होता था, सिंपल बस बीएड का। लेकिन इन्होंने कहा कि इसको आपको या तो किसी यूनिवर्सिटी के साथ रिकग्नाइज हो जाओ, मतलब किसी के साथ कंपोजिट हो जाओ, उसकी ब्रांच बन जाओ, ठीक है। तो आई थिंक इसके बाद स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस बंद कर दिए गए थे, क्योंकि बहुत सारे बीएड कॉलेजेस खुल गए थे वो ध्यान में रखते हुए कि प्राइवेटाइजेशन या कमर्शलाइजेशन ना हो जाए, उसको ध्यान रखते हुए उनको कंपोजिट कर दिया गया। अब आपने देखा होगा जो भी बीएड के इंस्टीट्यूट हैं वो किसी ना किसी यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, मतलब यूनिवर्सिटी के ही अंदर बिल्डिंग में प्रीमाइसिस में होते हैं, है ना। स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूट खत्म होते गए हैं। आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलो अब क्या है, जो भी इसके प्रोग्राम से उसमें क्या है, तीन कंपोनेंट हैं, थ्योरी पोर्शन, प्रैक्टिकल पोर्शन एंड इंटर्नशिप पोर्शन। और जो 25% प्रोग्राम का है वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज एंड इंटर्नशिप होनी चाहिए उसमें, चाहे वो डिप्लोमा कोर्स हो, चाहे वो बीएड कोर्स हो, चाहे एमएड कोर्स हो। उसमें 25% प्रोग्राम क्या होना चाहिए, स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज होनी चाहिए उसमें और इंटर्नशिप होनी चाहिए, ठीक है। चलो आईसीटी योगा एजुकेशन जेंडर एंड डिसेबिलिटी और इंक्लूसिव एजुकेशन को एज ए इंटीग्रल पार्ट सभी में इंक्लूड किया गया। तो आपने देखा होगा बीएड में ये सभी चीज़ें हैं, आईसीटी भी पढ़नी पड़ती है, योगा एजुकेशन भी पढ़ना पड़ता है, जेंडर स्कूल सोसाइटी पढ़नी पड़ती है एंड इंक्लूसिव एजुकेशन भी है। और जो भी इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं उनको और ज़्यादा एनकरेज किया गया, ठीक है। और जो एमए डिग्री थी उसकी स्पेशलाइजेशन किस में होती है, एलिमेंट्री एजुकेशन में होती है या तो सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन में होती है। आई होप क्लियर होना चाहिए। चलो देन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग थी, उसको थोड़ा रिगोरस किया गया, सख्त किया गया, कठिन किया गया, क्योंकि बीएड डिस्टेंस में क्या होता है कई बार केवल एग्जाम दे के पास कर दिया जाता है या पैसे उसे दे के पास हो जाया जाता है, लेकिन इसको थोड़ा कठिन कर दिया गया थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ, और ऐसे एश्योरेंस मैकेनिज्म लाए गए जिससे कि जो डिस्टेंस लर्निंग है वो और अच्छी हो सके। आई होप क्लियर है। और जो भी इन सर्विस टीचर्स हैं उनके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई, अगर उनको हायर एजुकेशन करना है तो आराम से ले सकते हैं डीएलएड, ओडीएल मतलब ओपन डिस्टेंस लर्निंग, बीएड ओडीएल है, बीएड पार्ट टाइम है ना। तो ये इन सभी टीचर्स के लिए जो ऑलरेडी टीचर हैं और हायर एजुकेशन करना चाहते हैं। चलो इससे पहले क्या होगा, इनको एनओसी लेनी होगी, पर अगर कोई कोर्स करना है तो उससे पहले उन्हें एनओसी लेनी होगी। सेंट्रलाइज कंप्यूटराइज सिस्टम बनाया गया ताकि जो मॉनिटरिंग है, इंस्पेक्शन है, वो बहुत अच्छा हो सके, टाइम टू टाइम चल सके। इसको कहते हैं ई गवर्नेंस, है ना, सब कुछ कनेक्ट है। अगर किसी ने स्कूल में इंटर्नशिप करी होगी तो आपने देखा होगा स्कूल्स में उन सभी के पास सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको डेली या आई थिंक मंथली या 15 डेज में रिपोर्ट सबमिट करनी होती है अपनी हायर अथॉरिटी को। तो यही चीज़ है इसमें भी कि इन सभी चीज़ों को, इंस्टीट्यूट्स को और जो हायर अथॉरिटी हैं वो प्रॉपर टाइम टू टाइम रिपोर्ट मांगती रहती हैं, और जो लोअर बॉडीज हैं इंस्टीट्यूट्स हैं उनको अपने अपर लेवल पे ऐसी रिपोर्ट देनी होती है, ठीक है, कि क्या क्या प्रोग्राम चल रहा है और कैसे चल रहा है। और जो भी रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट है उनको 5 साल के अंदर फिर से रिकग्निशन लेना होगा एनसीटी के द्वारा, और इसके लिए एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी साइन कर दिया जा चुका है नैक से रिलेटेड, ठीक है। मतलब हर एक 5 साल में रिकग्निशन फिर से आपको लेना होगा। तो ये थे रेफरेंस, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ये गवर्नमेंट की साइड से ही है, ठीक है, सब कुछ गवर्नमेंट की साइड से और सब कुछ कवर है इसमें, आई डोंट थिंक आपको एक्स्ट्रा देखना पड़ेगा, पर आप देखना चाहते हो तो ऑफकोर्स पढ़ लेना, नॉट अ प्रॉब्लम। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अप्लाई कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, चैनल को शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।